सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज जो है डे थ्री है यार, जो मैंने अपना लेक्चर सीरीज शुरू किया उसका डे थ्री है। तो अपन ने इससे पहले दो वीडियो शूट कर लिया है सीडीएसई का पेपर सॉल्व करते हुए, जिसमें अपन ने मैन क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कवर किया था और क्वेश्चन नंबर 9 to 15 कवर किया था। आप लोग उसे प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, वो आप लोग देख सकते हैं, या फिर आप ऊपर आई बटन है राइट साइड में, उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन सॉल्व करेंगे इज नेक्स्ट, दैट इज द थर्ड पेज, दैट इज थर्ड पेज जो अपना अभी लेक्चर चल रहा है उसका थर्ड पेज, दैट इज वी हैव सॉल्व टिल 15, राइट। सो फ्रॉम टुडे विल बी सॉल्विंग फ्रॉम 16 to 22, क्वेश्चन नंबर नॉट 23, दिस पेज, दैट इज पेज नंबर 3, डे 3, दिस इज आवर एजेंडा फॉर द डे। ओके, सो आज हमें ये सॉल्व करना है, राइट। सो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले यार, लेट्स बिगिन, है ना। तो लेट मी जूम आउट। ओके, तो नेक्स्ट इज जूम कर लिया, अभी अपन चलते हैं। चलिए, सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द रिमाइंडर ऑफ 3x² + kx² + 5x - 6 इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। अच्छा, एक सेकेंड, राइट, लेट मी इरेज दिस वन। ओके, है ना, जो रिमाइंडर है डेट इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। सो रिमाइंडर क्या आता है वो डिवाइड करने से, इट इज -7, इट इज गिवन, है ना। वॉट इज द वैल्यू ऑफ के, राइट, इक्वेशन में के है ना, अगर इससे अपन इसे डिवाइड करें तो -7 रिमाइंडर में आ रहा है, तो उसके बाद पूछ रहा है कि के क्या है ना। तो इसको यार अपन पेपर में सोल्व करते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द पेपर। तो गाइस, इस क्वेश्चन में अभी क्या एग्जामिनर पूछ रहा है हमसे कि अभी इसको जो है एक्स प्लस वन से इस टर्म को डिवाइड करने से रिमाइंडर अगर -7 आ रहा है तो के का वैल्यू क्या होगा। जस्ट ही वॉन्ट टू नो दिस वन, हमने दिया हुआ है रिमाइंडर का वैल्यू, हमें जस्ट के का वैल्यू निकालना है। इट्स जस्ट सिंपल फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का जो क्वेश्चन है। इससे पहले जो कल का वीडियो था पार्ट टू जो है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक सोल्व किया था, उसमें भी वी हैव सोल्व ए क्वेश्चन यूजिंग दिस, है ना, टेक्निक, राइट। सो इसमें जस्ट वी हैव टू डिवाइड इट। तो डिवीजन कैसे करना है कि एक्स का किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से वी विल गेट दिस वन 3x³। सो इट्स वेरी सिंपल कि 3x² को अगर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से तो इट विल बी 3x³, राइट। तो ये 3x³ हो जाएगा। अभी इसको एक्सटेंड कर देते हैं फर्दर, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करने से विल सिंपली गेट 3x². अभी अगर इस पूरे टर्म को अभी अगर इस पूरे टर्म को माइनस कर दे, राइट, तो ये इसका कंट्राडिक करेगा, दैट इज 3x² - 3x² कट जाएगा, एंड इसको माइनस करेंगे, देन x² कॉमन ले लेंगे, तो ये के -3 होगा, और फर्दर ये जो है 5x है, एंड ये जो -6 है ये एज यूजुअल आएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप इज एक्स का किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से विल गेट के -3 × x². तो के -3 × x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को तो x² × k-3 मिलेगा, दैट मीन्स प्लस k-3 वी हैव हियर × x, राइट। अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल सिंपली गेट x² × k-3, राइट, और 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट प्लस k-3 × x, राइट। अभी इस पूरे टर्म को इफ यू विल सब्ट्रैक्ट, राइट, माइनस करेंगे तो पूरा टर्म इसका ऑपोजिट होगा एंड ये भी उल्टा हो जाएगा, राइट। सो इट विल बी कटेगा इस तरीके से, और इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स एक्स का टर्म को, सो वी विल एक्स बाहर कॉमन ले लेंगे एंड 5 - k होगा, +3 हो जाएगा, राइट, एंड दिस इज -6। ओके, सो अभी नेक्स्ट स्टेप इज फाइनल स्टेप है ये, एक्स का किस टर्म से मल्टीप्लाई करने से विल गेट एग्जैक्ट दिस वन। सो इसमें तो एक्स है ही एक, तो 5 - k + 3 से अगर सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 5 - k + 3, राइट, सो विल गेट एज यूजुअली एक्स इधर में है, दिस इज 5 - k + 3, राइट, एंड 1 से अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे देन दिस इज सिंपल 5 - k + 3 इज द आंसर। सो नाउ इफ विल सब्ट्रैक्ट इट, देन सब्ट्रैक्ट करने से क्या, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, इसका ऑपोजिट इससे कट जाएगा, विल सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू दैट इज -6 - 5 + k, एंड दिस इज -3। ओके, दिस इज द रिमाइंडर टर्म। नाउ वी हैव बीन प्रोवाइडेड रिमाइंडर इज -7, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, दैट इज -6 इज देयर, -5 इज देयर, +k - 3, दिस इज इक्वल टू -7, सो सिंपली अभी इसे ऐड करेंगे, दिस इज k - 14, दिस इज इक्वल टू -7, -14 राइट हैंड साइड में जाएगा, इट विल बी +14, सो 14 - 7 इज इक्वल टू +7, हेंस द आंसर इज 7, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, इस तरीके से करना है गाइस, सो लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन बैक। So guys, we have seen this one, right? Now moving on to the next question, that is question number 17. है ना, 17 question बहुत ही अच्छा और conceptual question है। इसमें देखिए क्या कह रहा है ये, कि if f of x and sorry, ये बहुत मोटा हो गया, just a second. Okay, now if f of x and g of x are polynomials of degree p and q respectively, okay, दो है ना polynomials है, एक का डिग्री p है, एक का डिग्री q है, right? So p and q respectively, then the degree of f of x plus minus g of x is, है ना, तो डिग्री क्या आएगा। सो फर्स्टली लेट अस सी कि ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ पी और क्यू, दैट इज जो दोनों का डिग्री है उसका मिनिमम से बड़ा होगा, या फिर ग्रेटर देन द मैक्सिमम ऑफ पी एंड क्यू। यार दिस इज हाउ इट इज पॉसिबल, है ना, दो पॉलीनोमियल है, दोनों को ऐड कर रहे हैं अपन, जब ऐड कर रहे हैं
तो दोनों का डिग्री कुछ रहेगा, मान लीजिए एक का 4 है एक का 5 है, राइट, पी एंड क्यू। तो मैक्स इज 4 5 में 5 इज ग्रेटर, है ना। अब मैक्सिमम इज 5, है ना, पी कॉमा क्यू का मैक्सिमम इज 5। अब 5 से भी बड़ा कैसे हो सकता है डिग्री, राइट। सो दिस इज, तो इसको यहीं पे इनवैलिड कर होते हैं अपन, राइट। एंड द नेक्स्ट इज ऑप्शन इज लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ पी कॉमा क्यू, एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ पी कॉमा क्यू, राइट। सो इसको करने के लिए विल जस्ट फॉलो वन एग्जाम्पल, है ना। लेट अस अंडरस्टैंड, मैं कंसिडरिंग एन एग्जाम्पल, दैट इज एफ ऑफ एक्स। अगर अपन मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज सपोज एक्स पावर में 7, ओके, एक्स पावर में 7 है प्लस एक्स पावर में 5, ओके, एक्स पावर में 5, ओके, प्लस एक्स पावर में 4 एंड प्लस एक्स पावर में 2, ओके। आई विल कंसिडर इन दिस वे, राइट, आई विल कंसिडर इन दिस वे। सो दिस इज एफ ऑफ एक्स। सो अभी जी ऑफ एक्स जो है, जी ऑफ एक्स अगर देखें अपन, अपन जी ऑफ एक्स लेंगे, कोई कुछ नहीं, अलग पॉलीनोमियल नहीं लेंगे, विल जस्ट कंसिडर एफ ऑफ माइनस एक्स, दैट इज, है ना, एफ ऑफ एक्स जो है उसमें माइनस एक्स ले लेंगे, दैट इज जी ऑफ एक्स अपन एफ ऑफ माइनस एक्स ले लेते हैं। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या रहेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, दैट विल बी माइनस एक्स टू द पावर 7, राइट, माइनस एक्स टू द पावर 7 प्लस एक्स टू द पावर 5, ओके, प्लस एक्स टू द पावर 5, सॉरी 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 गाइस, दिस इज नॉट प्लस, दिस विल बी माइनस, राइट, बिकॉज डिग्री जो है इट इज ऑड नंबर, राइट, दिस इज माइनस एंड दी ए जो है इवन है, सो देयरफॉर इट इज एक्स पावर में 4 एंड प्लस अगेन दिस इज एक्स पावर में 2, राइट। नाउ इफ यू विल डू दिस, है ना, कंसिडर कि अपन एड कर रहे हैं दोनों पॉलीनोमियल को, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस, ओके, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स हैव बीन एडेड नाउ, राइट, दिस हैज बीन एडेड, सो वट विल बी द आउटकम ऑफ दिस टू एडिशन, राइट। इसको और इसको अपन एड किया, लेट मी चेंज द कलर गाइज। सो इफ यू विल एड दिस वन, ओके, एंड इफ यू विल एड दिस वन, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक्स पावर 7 पॉजिटिव है, ये एक्स पावर 7 जो है माइनस नेगेटिव है, सो देयरफॉर ये और एक्स पावर 5 और माइनस एक्स पावर 5 ये भी कट जाएगा, राइट। सो आफ्टर एडिशन विल हैव दिस टू टर्म्स, दैट इज ट्वाइस एक्स, राइट, ट्वाइस एक्स का पावर में 4 प्लस ट्वाइस एक्स का पावर में 2, दिस वुड बी द आंसर, राइट। सो इफ यू विल सी पावर क्या है ना 4 है, सो एडिशन के बाद हाईएस्ट डिग्री इज 4, सो है ना एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, है ना, एज यू कैन सी डिग्री इज 4 नाउ, राइट, एंड इसका डिग्री इज 2, इफ यू कंसिडर द हाईएस्ट डिग्री इट इज 4। सो अभी नेक्स्ट केस है कि 4 क्या है ना, एज यू कैन सी जो मेनली एफ ऑफ एक्स का डिग्री अगर देखें हाईएस्ट डिग्री वॉज 7, राइट, जी ऑफ एक्स का हाईएस्ट डिग्री वॉज 7, है ना, बट वी हैव एडेड बोथ ऑफ देम, है ना, और जो लोएस्ट डिग्री था, है ना, एफ ऑफ एक्स इज वॉज 2, है ना, इसका भी 2 था, है ना, बट वेन वी हैव एडेड बोथ ऑफ देम, देन जो मैक्सिमम अभी आ रहा है कि नहीं, समेशन एडिशन में अभी जो है, एज यू कैन सी इट इज ग्रेटर, क्या ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ पी कॉमा क्यू है। आप अगर इसका मैक्सिमम डिग्री मानेंगे 7, है ना, डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन वुड बी द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, राइट, हाईएस्ट डिग्री है ना, तो एक्स पावर 7, राइट, अपन मानेंगे तो ये 7 है, राइट, एंड देन इसका भी 7 है, राइट, सो है ना, सो अगर अपन कंसिडर करें नाउ, ओके, जी ऑफ एक्स और इसका मिनिमम ऑफ पी कॉमा क्यू ग्रेटर देन है क्या, राइट, ग्रेटर देन तो है नहीं, सो दिस इज इनवैलिड। इफ यू कंसिडर दिस वन नाउ, ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ पी कॉमा क्यू, दैट इज मिनिमम ऑफ 7,7 का मिनिमम इज वॉट, राइट, 7,7 का मिनिमम इज वॉट, इट इज 7 इटसेल्फ, सो क्या ग्रेटर देन 7 है, नो, ग्रेटर देन 7 भी नहीं है। नाउ लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ पी कॉमा क्यू, दैट इज पी कॉमा क्यू का मैक्सिमम क्या है, दैट इज 7,7 में मैक्सिमम इज 7 इटसेल्फ, सो आइदर लेस देन है 7 से, आइदर लेस देन होगा और आइदर इक्वल टू 7 होगा, दिस इज द पॉसिबिलिटी गाइज, राइट, लेस देन 7 है, राइट, लेस देन 7 है और इक्वल टू 7, दिस इज द पॉसिबिलिटी, एंड द नेक्स्ट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ पी कॉमा क्यू, क्या यही होगा, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, राइट, एज वी कैन सी फ्रॉम हियर ऑल्सो, ओके, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये भी ट्रू नहीं है, सो फ्रॉम हियर ऑनली वी कैन सी दैट द ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप लोग समझ में आया कैसे किया, इफ आई टेक, है ना, अगेन अगर सिंपली इफ आई टेक, है ना, इन दिस वे, राइट, लेट मी चेंज द कलर, एफ ऑफ एक्स जो है ना, एफ ऑफ एक्स को अगर मैं ले लूँ, इफ आई कंसिडर एफ ऑफ एक्स एज, राइट, एक्स पावर में 5 एंड सिंपली आई एड अनदर 1, दैट इज एक्स पावर में 4, राइट, एंड जी ऑफ एक्स इज अगेन एन एफ ऑफ माइनस एक्स, देन इट वुड बी एन इट इज माइनस एक्स पावर में 5 एंड प्लस एक्स पावर में 4, ओके, इफ आई एड, अगर देखें एफ ऑफ एक्स, ओके, ओके, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स अगर एड कर देते हैं, दैट इज, ओके, सॉरी, दिस इज बीन एडेड, राइट, जस्ट अ सेकंड, दिस हैव बीन एडेड, सो इफ आई एड दिस, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, राइट, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इफ आई एड इज, राइट, एडिशन में क्या होगा कि ये और ये टर्म जो है
दिस विल बी कैंसल्ड आउट राइट, दिस विल बी कैंसल्ड आउट राइट, दिस टर्म विल बी कैंसल आउट, ये और ये टर्म विल बी कैंसल आउट, सॉरी लेट मी चेंज द कलर, है ना, ये और ये टर्म जो है इट विल बी कैंसल आउट, और ये दो का समेशन होगा दैट इज इक्वल टू 2x^4 राइट ना। एज यू कैन सी ना, जो समीशन होकर डिग्री आया दैट इज 4। क्या अभी आप देखिए अभी है ना एफ ऑफ एक्स में हाइस्ट डिग्री वाज 5, सो इफ विल कंसीडर 5, पी इज 5 है ना, और है ना इसमें भी 5 था राइट, सो पी कमा क्यू है ना, जी ऑफ एक्स का है ना डिग्री 5 है, इसका डिग्री 5 है ना, और एल्स वी कैन कंसीडर अनदर इक्वेशन एज वेल है ना, जी ऑफ एक्स को अपन -x^3 भी ले सकते हैं राइट ना, तो ये दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, आप लोग ऐसे एग्जाम्पल लेके देख लीजिए है ना, दिस इज नॉट ऑलवेज, दिस इज नॉट द केस है ना, ये कभी नहीं होता है, सो ओनली कंडीशन विच सेटिस्फाई दिस इज ऑप्शन नंबर 3, सो देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यार, ठीक है। सो इफ यू इसको अगर माइनस भी करोगे ना आप लोग, इसको सिंपली इफ यू डू माइनस एज वेल ना, अगर आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, इफ यू सब्ट्रैक्ट एज ऑल्सो, तो क्या होएगा, सब्ट्रैक्ट करने से इट विल बी एफ ऑफ एक्स है ना, सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं आप लोग तो इट विल बी इन दिस वे कि है ना, सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो दिस विल बी x^5 है ना, 2x^5 होगा आंसर राइट, 2x^5, सो 2x^5 होने से अभी कौन सा इक्वेशन, कौन सा ऑप्शन सी कंसिडर हो रहा है, क्यों, क्योंकि आइदर लेस देन होगा बोलने से ट्रू है ना पहले वाला कंडीशन, अभी और इक्वल टू मैक्स है ना, मैक्सिमम इस बार दोनों का 5-5 डिग्री है, तो मैक्सिमम पी कमा क्यू इज 5, सो इक्वल टू आपकी बार इक्वल टू है ना, क्या ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन तो नहीं है, मिनिमम वैल्यू का है ना ग्रेटर देन है ना, ये है ना ऐसा वैल्यू हमें देना है जो कि एकदम मोस्ट फिजिबल एंड एफिशिएंट है राइट, यहाँ पे ये तो मैक्सिमम दोनों से ग्रेटर होंगे तो कभी हो ही नहीं सकता, और दोनों का मिनिमम इज 5.5 का मिनिमम इज 5 ओनली राइट, तो अभी क्या इससे 5 से बड़ा है क्या ना, 5 से बड़ा तो नहीं है, दिस इज नॉट ऑलवेज द केस राइट, एंड अगेन इक्वल टू मिनिमम ऑफ पी कॉमा क्यू है ना, अब की बार इक्वल है लेकिन पहले वाला ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, सो देयरफॉर है ना ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है गाइस, यू जस्ट हैव टू टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन राइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू अ वैल्यूएबल कमेंट, आई विल डेफिनेटली है ना आंसर योर क्वेश्चंस राइट है ना, सो नाउ मूविंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, ओके क्वेश्चन नंबर 18 में सिंपल एक प्रॉब्लम दिया हुआ है दैट इज मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स का नॉर्मल रैशनलाइजेशन प्रॉब्लम है दैट इज √5 - √3 डिवाइडेड बाय √5 + √3 माइनस √5 + √3 डिवाइड बाई √5 - √3 गाइज, इसको पेपर में सोल्व करते हैं यार अपन, तो लेट मूव ऑन टू द पेपर। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये जस्ट नॉर्मल रैशनलाइजेशन का प्रॉब्लम है, इसमें हमने कुछ नहीं करना है, सिंपल मैथमेटिक्स राइट, नॉर्मल इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, देन दिस इज ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म है, a² - b² इज दैट इज √5² = 5 एंड दिस इज √3² = 3 एंड इफ यू मल्टीप्लाई दिस देन दिस इज है ना डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ देखो ना, इसमें टाइम नहीं कंज्यूम करना, दिस इज √5 - √3 का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स वट इज इट है ना, a² दैट इज 5 है ना प्लस b² दैट इज 3 माइनस ट्वाइस ए बी इज 2 × √5 × √3 राइट, ये एक इसका स्क्वायर है ना √5 - √3 का होल स्क्वायर, एंड इसका क्या है इफ यू मल्टीप्लाई दिस वे देन √5 + √3 का होल स्क्वायर, देन विल टेक कॉमन सॉरी विल टेक पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में सारे टर्म लिख देंगे, दैट इज 5² √5² = 5 √3² = 3 एंड प्लस है ना दिस विल प्लस ऑब्वियसली 2 √ab दैट इज √5 × √3 राइट। अभी क्या करना है, वी हैव टू जस्ट सिंपल नीचे डिनोमिनेटर इज 2 एंड अगर देखिए ये माइनस टर्म आएगा तो इसको यहीं पे कर देता हूँ राइट, माइनस टर्म आएगा तो -5 - 3 एंड इट इज -2 √5 √3 तो -5 - 3 +5 + 3 कट जाएगा एंड दिस इज -, है देन दिस विल बी +4 √5 × √3 होगा। सो अभी अगर देखें अपन यहाँ पे फर्दर देन दिस इज 2 से इसको डिवाइड होने से 2 × दिस इज √3 गाइस, दिस इज √3 ओके, सो 2 से जब कटेगा देन दिस इज 2 × √5 × √3 दिस इज नथिंग बट -2 × √15 ओके, सो दिस इज द आंसर गाइस, सो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट ओके, सिंपल रैशनलाइजेशन प्रॉब्लम था, इसमें कुछ करना ही नहीं ज्यादा राइट, यू शुड बी नोइंग थिंग्स लाइक a + b × a - b राइट, a² - b² एंड a + b² a - b² सिंपल मैथमेटिक्स 8, 9, 10 का ठीक है, तो लेट्स मूव बैक टू द स्क्रीन गाइस, दैट वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सो एज यू कैन सी द आंसर इज ए, सिंपल है ना, सिंपल रैशनलाइजेशन था, कोई चक्कर नहीं था इसमें, इट्स सिंपल रैशनलाइजेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वी हैव क्वेश्चन नंबर 19 ओके, लेट मी क्लियर इस द स्क्रीन फर्स्टली ओके, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ओके, वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस x^b - a प्लस x^c - a, इस तरह से एक लंबा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पहला नजर में अगर देखें ना प्राण पर फिर उड़ जाएंगे बॉस, सही में बताओ, बट इफ यू सी वाइजली देन ये नॉर्मल आइडेंटिटी का क्वेश्चन है जो अपन ने पढ़ा था, तो यार मैं इसको पेपर में करके दिखाता हूँ आपको, तो लेट्स मूव ऑन द पेपर। सो गाइस दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, अभी क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि वी हैव बीन गिवन जस्ट दिस मच है ना,
अभी जस्ट इसको इवेलुएट करके वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर। पहली नज़र में देखते हैं यार, मतलब प्राण पखेड़े उड़ जाते हैं, बट ये सिंपल मैथमेटिक्स है ना। इसमें करना क्या, फर्स्टली वी शुड बी नोइंग फ्यू थिंग्स लाइक ए पावर में एम डिवाइडेड बाई ए पावर में एन, इस तरीके का आइडेंटिटी है। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो ये क्या होता है ए पावर में एम माइनस एन। और कल अपन ने सॉल्व किया था कि ए पावर में एन इंटू ए पावर में एन हो तो क्या होगा, ए पावर में एम प्लस एन, राइट। दैट इज बेस सेम है लेकिन पावर इज डिफरेंट, राइट। देन इट विल जस्ट एडेड, और जब डिवाइड हो जाता है बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, देन इट इज मल्टीप्लीकेट, राइट। सो अभी नाउ वी हैव इज दिस वन, राइट। तो इसको अपन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, दिस इज इन दिस वे, दैट इज वन अपॉन, ओके, वन अपॉन वन प्लस इफ यू विल सी एक्स एक्स पावर बी माइनस ए। सो वट यू विल डू, विल सिंपली मेक एक्स पावर में बी डिवाइडेड बाई एक्स पावर में ए, राइट, प्लस एक्स पावर में सी डिवाइडेड बाई एक्स पावर में ए, एंड प्लस दिस इज वन डिवाइडेड बाई वन प्लस, एंड वी हैव एक्स पावर में ए दैट इज डिवाइडेड बाई एक्स पावर में बी प्लस एक्स पावर में सी डिवाइडेड बाई एक्स पावर में बी अगेन। एंड सिमिलरली हियर वी हैव वन प्लस एक्स पावर में ए डिवाइडेड बाई एक्स पावर में सी प्लस एक्स पावर में बी डिवाइडेड बाई एक्स पावर में सी। इतना करते हैं, आपको आंसर तो दिख ही जाना चाहिए। सो फर्दर इसको रिडक्शन करने से है ना, सिंपल एलजेब्रा लेके ये ऊपर चला जाएगा। सो हाउ इट विल बी, ये एक्स पावर में ए हो जाएगा, एक्स पावर ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ड्यूरिंग वेल टेकिंग द एलसीएम। सो ये एक्स का पावर में ए है, ये एक्स का पावर में बी प्लस ये एक्स का पावर में सी प्लस है ना, अभी एक्स का पावर में बी विल बी ऊपर न्यूमरेटर में, एंड दिस इज एक्स का पावर में बी प्लस एक्स का पावर में ए प्लस एक्स का पावर में सी इज हियर, एंड वी हैव अगेन यहाँ पे एक्स का पावर सी इन द न्यूमरेटर एंड इन द डिनोमिनेटर, एक्स का पावर में सी प्लस एक्स का पावर में ए प्लस एक्स का पावर में बी। अभी सबको ऐड कीजिए, एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर सी, और हर एक का डिनोमिनेटर देखिए आप लोग, एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर सी एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर, मतलब हर एक में ए बी सी इज देयर, राइट। सो इन द फाइनल स्टेप इफ यू विल डू एक्स का पावर में ए प्लस एक्स का पावर में बी प्लस एक्स का पावर में सी है ना, जब अपन कॉमन जस्ट एडिशन करेंगे, सिंपल एडिशन ना, बेस सबका जो डिनोमिनेटर इज सेम, सो देयरफॉर दिस इज एक्स का पावर में ए एक्स का पावर में बी प्लस एक्स का पावर में सी, सिंपल कटेगा, दिस इज वन है ना। देखिए इसको इस तरीके से रिड्यूस करना है, सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। सो लेट्स गाइस मूव बैक टू द स्क्रीन, ओके ओके गाइस। सो हैव यू सीन हाउ इजी इट वाज, ना ना, इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं था, जैसा दिख रहा था इतना डरावना है ही नहीं ये क्वेश्चन, राइट। सो देयरफॉर वन इज द आंसर। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 20। ओके, सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर, यानी कि जो नंबर है और उसी नंबर का स्क्वायर का सम इज 20, देन द नंबर इज, यानी कि इफ यू विल कंसिडर, राइट, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, लेट द नंबर बी ए। ओके, जस्ट लेट मी चेंज द कलर, यार थोड़ा सा लाइट कलर हो गया, डार्क कलर लेते थे थोड़ा सा। सो इफ यू कंसिडर है ना, द नंबर इज ए, राइट, द सम ऑफ ए नंबर एन स्क्वायर है ना, सम ऑफ नंबर एन इज स्क्वायर, यानी कि उसी नंबर का स्क्वायर के साथ अगर वो नंबर का सम करे तो दिस इज 20, ये बोला हुआ, राइट। दैट मीन्स ए प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 20, दिस इज गिवन कंडीशन। ओके, सो अभी दिख गया, दिस इज नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व इट, राइट, वी जस्ट हैव टू सॉल्व इट। सो दिस इज व्हाट है ना, ए स्क्वायर, राइट, प्लस ए माइनस 20, ओके, माइनस 20 है ना, दैट इज इक्वल टू, सॉरी गाइस, है ना, दिस इज इक्वल टू 0 नाउ, राइट, दिस इज इक्वल टू 0। सो नाउ जस्ट सोल्व इट, इट्स नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इसे सोल्व करेंगे अपन, सो वी कैन सी ए इज इक्वल टू, रूट निकाल लेते हैं, माइनस बी, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस, माइनस बी इज 1, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, राइट, बी स्क्वायर इज 1, माइनस 4 ए सी इज, ए इज 1 एंड सी इज माइनस 20, सो माइनस 4 ए सी इज माइनस माइनस मल्टीप्लाई, ओके, प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 20 इज 80, सो दिस वन इज 80, ओके, 80, एंड दिस इज ऑब्वियसली 1 डिवाइडेड बाई 2 इज ए इज 1, सो हेंस इफ विल सोल्व इट फर्दर, इसको थोड़ा सा मोटा ले लेते हैं दिस वन, ओके, हेंस इफ विल सोल्व इट फर्दर है ना, हियर है ना, तो क्या आएगा ये, दिस इज ए इज इक्वल टू, ओके, ए इज इक्वल टू अगर देखें, दैट इज माइनस 1 है ना, इसको ऐड करेंगे, 80 प्लस 1 कितना होगा गाइस, दिस इज रूट ओवर 81, राइट, दिस इज रूट 81 कितना होगा, 9 होगा, वी ऑल नो दैट, राइट, रूट 81 इज 9, प्लस माइनस का डिवाइडेड बाय 2, सो गाइस एज यू कैन से सिंपली माइनस 1 प्लस 9, अगर ये करेंगे अपन, राइट, इफ यू कंसीडर दिस माइनस 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा वी हैव इज माइनस 1 माइनस 9, राइट, डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4, एंड दिस इज माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 इज माइनस 5। ऑप्शन में चेक कर लो आप लोग विच इज द आंसर, सो ऑप्शन ए इज द आंसर, राइट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, राइट, इसको देख के आप लोग मत कंफ्यूज हो जाना कि 5 और माइनस 4
राइट, सो देयरफॉर ऑप्शन इज द आंसर। हड़बड़ मत करना, आराम से करियो, 30 सेकंड्स का क्वेश्चन है यार, ये भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाना चाहिए, राइट, इतना कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव दिस वन नाउ। इफ द प्राइस ऑफ वीट राइजेस बाय 25%, देन हाउ मच परसेंट मस्ट मैन रिड्यूस हिज कंजम्पशन इन ऑर्डर टू कीप हिज बजट द सेम एज बिफोर। ओके, अगर बोल रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ वीट अगर देखे 25% से राइज हो रहा है, तो है ना हाउ मच परसेंट, है ना कितना परसेंट से आदमी को अपना कंजम्पशन, जो इंटेक लेवल जितना खाता है वो कंजम्पशन, जो इसको कितना से रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना, सो दैट उसका जो बजट है एज यूजुअल रहे जितना पहले था, राइट। तो गाइस आई विल सॉल्व इट इन द पेपर, सो लेट्स मूव ऑन टू द पेपर। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 21 जो है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है कि वी हैव बीन गिवन वीट, है ना, वीट का दिया हुआ है, आटा दिया हुआ है, और बोला है कि आटा का प्राइस अगर 25% से इंक्रीज हो गया तो कितना जो है उसे कंजम्पशन जो है अपना रिड्यूस करना पड़ेगा, सो दैट उसका जो बजट था पहले जितना ही रहे। तो इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट विल कंसिडर दैट, लेट है ना, लेट अगर देखें अपन इनिशियल, है ना इनिशियल, है ना प्राइस, अगर देखें अपन इनिशियल प्राइस भी, है ना इनिशियल प्राइस भी अगर देखें अपन 100 पकड़ लेते हैं, राइट, है ना विल कंसिडर, अभी है ना 25% से इंक्रीज हुआ, सो इंक्रीज प्राइस अगर कैसे लिखेंगे अपन, 25% से इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स इंक्रीज प्राइस इज 25%, राइट, ऑफ 100, डेट मीन्स 25 रुपीज से इंक्रीज हुआ, सो टोटल इंक्रीज प्राइस कितना हो गया, पहले 100 था अभी 25, है ना, अभी अगर देखें अपन, राइट, 25 रुपीज से इंक्रीज हुआ, तो टोटल इंक्रीज प्राइस इज 100 प्लस 25, डेट मीन्स टोटल इंक्रीज प्राइस इज 125, राइट। अभी हमारे पास ये है, टोटल इंक्रीज प्राइस 125 है, तो अभी उसे कितना रिड्यूस करना पड़ेगा सो दैट इसका बजट पहले जितना रहे, दैट इज 25 रुपीज़ रिड्यूस कर ले तो बजट उसका पहले जितना ही रहेगा, राइट। सो अभी है ना फॉर, है ना जब 125 रुपीज़ रहे हैं उसका, यूनरी मेथड से सोल्व करेंगे अपन, 125 रुपीज़ है, सो ही हैज़ टू रिड्यूस 25 रुपीज़ सो दैट बजट इसका पहले जितना ही रहे। तो अभी जब 1 रुपीज़ रहेगा तो कितना होगा, डेट इज 25 बाई 125, इज़न्ट इट, 125 नीचे रहेगा, 1 रुपीज़ यूनरी मेथड है ये गाइस, सो वन जब 1 रुपीज़ से इंक्रीज हुआ तो कितना उसे रिड्यूस करना पड़ेगा, डेट इज 25 बाई 125। सो अभी अगर देखें तो टोटल उसे कितना अपना कंजम्पशन जो है रिड्यूस करना पड़ेगा, डेट इज 25 बाई 125, है ना, परसेंटेज निकाले, है ना, दैट इज इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 25 से 125 इज 5, राइट, एंड 100 बाई 5 इज 20, सो देयर फोर ही हैज टू रिड्यूस 20%, है ना, सो ही हैज टू रिड्यूस हिज कंजम्पशन अप टू 20% सो देट उसका जो है पहले का जितना ही बजट रहे। सो देयर फोर ऑप्शन अगर देखें अपन, कौन सा ऑप्शन होगा, वी हैव ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सो लेट्स मूव बैक टू द स्क्रीन। सो गाइज दैट वॉज द आंसर, सो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, राइट, सो 20% से जो है उसका कंजम्पशन लेवल जो है रिड्यूस होगा, देन इट्स बजट विल बी सेम एज बिफोर। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, लेट मी क्लियर द स्क्रीन फर्स्टली, दैट इज 1/25। अच्छा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1/25 ऑफ द स्टूडेंट हु रजिस्टर्ड डिड नॉट अपियर फॉर द एग्जाम, ठीक है, अच्छा 11/20 ऑफ दोज हु अपियर पास्ट, राइट, जो अपियर हुए दे पास्ट, एंड इफ the number of registered student is 2000, the number of who passed, acha, right, we have been given condition, we have been asked a question, right, to bola gaya hai ki sabse pehle ki the number of registered students, okay, number of registered students were 2000, okay, total student 2000 hai, aur pehla condition dekho ki 1 by 25 of the students who registered did not, in 1/25, right, ek kya bola ki 1/25 of those who have registered, राइट, दे डिड नॉट अपियर फॉर द एग्जाम, राइट, तो कितने लोग अपियर नहीं हुए, 1/25 टोटल स्टूडेंट हु रजिस्टर्ड हुए 2000 स्टूडेंट्स, सो उनमें से 1/25 स्टूडेंट डिड नॉट अपियर, इसको आप डिवाइड कीजिए 25 × 80, राइट, दिस इज 80, सो देयरफॉर 80 इज द दिस वन, राइट, सो 80 स्टूडेंट्स दे डिड नॉट अपियर फॉर द एग्जाम आउट ऑफ 2000 स्टूडेंट्स, बट दे हैव रजिस्टर्ड बट दे डिड नॉट अपियर। नाउ अभी बोला है नेक्स्ट 11 आउट ऑफ 20 ऑफ दोज हु अपियर्ड, एक चीज देखिए आप लोग, 11 आउट ऑफ दोज हु अपियर्ड पास, है ना, यहाँ पे मेन कंसेप्ट है, जो अपियर हुआ ना गाइस, है ना, वही पास हुआ, यानी कि अभी ये 80 जो है इसको अपन को रिड्यूस करना पड़ेगा पहले 2000 में से, तो अभी आप लोग देखिए कि 2000, है ना, 2000 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड, एंड दिस इज 80 स्टूडेंट्स हु रजिस्टर्ड बट डिड नॉट अपियर्ड, और अभी बोला है कि नेक्स्ट कंडीशन में कि, राइट, अभी नेक्स्ट कंडीशन बोला कि जो जो अपियर हुआ वो 11/20 ऑफ दोज हु अपियर पास्ट, राइट, सो अपियर हुआ जो उनमें से 11/20 स्टूडेंट्स पास्ट, सो देयरफॉर टोटल अपियर कितना हुआ, दिस वेयर टोटल अपियर इज 1920, 2000 माइनस 80 इज 1920, सो इसको निकालना कैसे, दैट इज 1920 आर द टोटल हु अपियर
1920 है ना, 1920 मल्टीप्लाइड बाय 11 बाय 20, सो जस्ट सॉल्व इट है ना, सिंपल जीरो से जीरो कट गया, सो इफ विल सॉल्व इट बाय इन दिस वे 2 से, दिस शुड बी आई थिंक 2 9 18 राइट, 1826 इज देयर राइट, सो 96 इनटू 11 इज हाउ मच, दिस इज सिंपली 1056 इज द आंसर, ओके 1056 होगा है ना। अभी देखो गाइस कि कंफ्यूजन क्या है ना, सो अभी यहाँ पे डाउट हो सकता है, कई लोग ये मिस कर देंगे राइट, है ना, 2000 से कर तो कर लिया, ये तो निकाल लिया, लेकिन इसका यूज नहीं करेंगे कई लोग यहाँ पे, कि डायरेक्ट इसमें भी आप लोग ये गलती कर सकते हो कि 11 बाई 20 इन टू राइट इन टू 2000 मल्टीप्लाई करके वही निकाल सकते हो राइट, वो गलत है गाइस है ना। यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि दोज हु अपीयर्ड दे पास राइट, 11 आउट ऑफ दोज हु अपीयर्ड दे पास, और यहाँ पे बोला है कि ये रजिस्टर तो किया बट अपीयर नहीं किया, टोटल 2000 रजिस्टर किया, ठीक है, तो इस तरीके से जैसे सॉल्व करना है गाइस, ओके। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 0.9 बार एंड 0.9। अच्छा ये देखिए अक्सर बहुत ही स्मॉल कंसेप्ट को यूज करते हुए इसमें एक क्वेश्चन पूछ दिया राइट, 0.9 बार मतलब आप लोगों को पता है ना, दिस मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग राइट, 0.9 बार का मतलब कि 0.9 बार बार जो है चीज़ें ये रिपीट हो रहा है, दैट इज 0.9 बार, यानी कि इट इज 0.9 0.9 9 9 9 9 9 9, ये बार 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 रिपीट हो रहा है राइट, सो देयर फॉर इट इज रिटन एज 0.9 बार, इजंट इट। और दूसरा है इज सिंपल 0.9, ओके दूसरा इज सिंपल 0.9, दिस इज जस्ट सिंपल 0.9, इसके बाद कोई नहीं नंबर नहीं राइट। सो इफ यू व्हाट इज द डिफरेंस है ना, सब्ट्रैक्शन बिटवीन दिस टू, इफ यू सब्ट्रैक्ट राइट है ना 0.9 बार को, यानी कि ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली है ना, अननोन टाइम तक रिपीट हो रहा है, उसको अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.9 से, तो व्हाट विल गेट राइट, दिस इज इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज है ना 0.09999, ये बार बार जो है ये रिपीट हो रहा है। अभी अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है तो क्या करेंगे अपन, विल टेक द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दैट इज ये अगर देखे 0.0999 ऐसे है तो इसका अप्रोक्सीमेशन क्या होगा 0.1 राइट, दिस विल बी अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि 0.09 है, 9 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 1, 9 के बाद 10, सो देयरफॉर दिस वुड बी 0.1 इज द अप्रोक्सीमेशन। आप अभी देखिए अप्रोक्सीमेशन के बाद दिस इज द आंसर, ऑप्शन में ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप लोग अब कई लोग ये गलती कर सकते हैं कि आइदर दिस और दिस, बट देखो दोस्तों 0.9 बार इज नॉट समथिंग कि 0.9999 कितना है ऐसा नहीं है राइट, इफ इट इज सो देन इट वुड हैव बीन करेक्ट, इफ है ना इसमें से ये या फिर ये कट जाता देन इट वुड हैव बीन करेक्ट, लेकिन 0.9 बार में 0.9 जो है वो अननोन टाइम तक 9 रिपीट हो रहा है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग राइट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, सो देयरफॉर ये इनफिनिट टाइम तक रिपीट हो रहा है, तो देयरफॉर वी हैव टू टेक एन एप्रोक्सीमेशन एंड वी हैव टू सॉल्व इट, सो देयरफॉर 0.1 इज द आंसर, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट में पूछा हो गाइस, बट इसमें बहुत इसीलिए मिस्टेक करने का चांसेस रहता है, सो देयरफॉर डोंट डू सच काइंड ऑफ मिस्टेक। और एक थिंग और एक चीज जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, दैट इज गाइस कि आप लोगों को पता है कि डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 1.0 राइट, दैट इज 1 एंड 1.0 जो लिखते हैं इसके बीच में क्या आप लोगों को डिफरेंस पता है राइट। हम तो ऐसे नॉर्मल आदमी जो है देख के सोचता है कि यार ये भी 1 ये भी 1, 1 इज 1 राइट, यहाँ तक तो ट्रू था, लेकिन इसमें जब एक्यूरेसी और प्रेसिजन का जब बात आता है ना गाइस, तो 1 के बाद अगर नेक्स्ट नंबर क्या है बोलने से इट इज डायरेक्टली 2, लेकिन 1.0 के बाद नेक्स्ट नंबर इज डेसिमल टर्म में है तो नेक्स्ट नंबर इज 1.1, 1.1 के बाद नेक्स्ट नंबर वुड बी 1.2, लेकिन 2 इसके बाद 3, सो देयरफॉर ये डिफरेंस देखिए है ना, इसमें जो प्रेसिशन करता है ना, प्रेसिशन देखिए आप, इसमें डेसिमल डिजिट एक बार जा रहा है, सो दिस इज मोर प्रिसाइज एंड दिस इज नॉट दैट मच प्रिसाइज, क्योंकि इसमें 1.1 1.2 जैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, एंड दिस में 1 अगर सिंपली है तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, दिस इज द डिफरेंस गाइस है ना 1 और 1.0 में। ये भी एक कंसेप्ट था जो मैंने सोचा आप लोग को बता दूँ। सो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपके वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गिव लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ यार गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स है ना, और किस टाइप का वीडियो चाहिए, एनीथिंग एक्स्ट्रा एनीथिंग चेंजेस विच आई हैव टू डू है ना, देन प्लीज़ लीव योर वैल्यूएबल कमेंट इन द वीडियो, आई विल अप्रिशिएट दोज कमेंट्स। एंड आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, सायोनारा सब्बा केयर, बाय बाय।